हे गाइस, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक गौरव चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के बारे में। ये जो चैप्टर है ये हमारे चैप्टर है थर्ड क्लास 10th का, इन्हें जो न्यू रिलीज हुई उसी बुक का है, सीजन 2023-24। आज इस टॉपिक को मैं समझाने वाला हूँ। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमें चैनल में नए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। यह है हमारे पास कौन सा चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी जो ये इस चैप्टर का क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके नाम से आपको क्या पता चलता है कि जोड़ा, और वो भी किसका, लीनियर इक्वेशन, और वो भी कितने वेरिएबल्स के अंदर, टू वेरिएबल्स के अंदर। दो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यहाँ बहुत सारे, यानी जो जितने भी सारे अल्फाबेट है वो क्या है, वेरिएबल्स है। अभी जो लीनियर इक्वेशन यानी पावर कितनी होती है, उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज 1। जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या होती है, एक जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन से एक पहले फॉर्मूला बना के बताता हूँ कि मान लो ये हो गए एक, ये हो गया बी वन, ये हो गया ए वन, बी वन और सी वन, ये है जनरल इक्वेशन ही है। मैंने इधर लिख दिया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। अब इसे इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो जैसे एक्स कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, और तो क्या बचेगा, ए वन अपॉन ए टू, और क्या बचेगा, बी वन बट्टा बी टू, और क्या बचेगा, सी वन अपॉन सी टू। अभी जो ये इसको मैं बाद में बताता हूँ, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है इसके अंदर जो है दो वेरिएबल्स निकलेंगे, एक्स और वाई। अब उनको इस चैप्टर के अंदर उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, यानी जो दो वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। पिछली क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि उसकी वैल्यू अपन फाइंड करते थे कैसे, ग्राफ बना करके उसकी जो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता था वहाँ से अपन उसकी वैल्यू निकालते थे। पर जो ये जो क्लास 10th का है इसके अंदर मेथड्स कितने हैं, इसके अंदर 4 मेथड्स है। पहला कौन सा है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और चौथा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में अपन दोनों के ग्राफ, यानी जो ग्राफ बना करके जहाँ पे इंटरसेक्ट होता था वो वहाँ पे अपन के एक्स और वाई की वैल्यू निकलती थी कैसे, ये क्या निकली, वैल्यू। यहाँ पे एक्स कोमा वाई के अंदर क्या निकलती है, वैल्यू। ओके, अभी अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर तीन टाइप की जो है हमारे पास सिचुएशंस बनेगी। तीन टाइप की कौन सी, एक तो क्या बनेगी हमारे पास, एक तो बनेगी ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर दोनों लाइनें कट करके हमको क्या निकालेगी, वैल्यूज, परफेक्ट वैल्यूज। उसको तो अपन क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी जो दो, यानी एक लाइन तो एक इक्वेशन की और दूसरी लाइन दूसरी इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसके अंदर कौन सा अपन को एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो अपन उसको क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अभी जो दूसरी है वो कौन सी है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी ये है एक इक्वेशन की, ये दूसरी इक्वेशन की, जिसके अंदर ये कभी भी एक दूसरे से कटती नहीं, कटती कटेगी नहीं तो हमारे को एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी तो इसके अंदर अपन को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो अपन क्या बोलेंगे इसको, नो सॉल्यूशन। तो इस लाइन का नाम क्या है, पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस है तो क्या मिलेगा अपन को, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कभी ये कटेगी नहीं, पैरेलल लाइंस कभी कटती ही नहीं। अभी जो लास्ट जो सिचुएशन बनती है वो बनती है ये लाइन के ऊपर लाइन, क्या होती है, जिसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन होती है, ठीक है। तो इसको अपन मैं क्या बोलूँगा, को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन्स बोलूँगा। और नीचे जो सॉल्यूशन अपन को कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट, अनगिनत सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मैंने इसको आपको सॉल्व करने के कितने तरीके बताए,
एक तो फर्स्ट था एलिमिनेशन मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फोर्थ एक ग्राफिकल मेथड। अभी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो तो आपके कोर्स से हटा दिया गया है, तो उसको समझाने का समझना चाहे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी है, वो जाके आप समझ सकते हैं। तो अगर आपने अभी ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक बार एलिमिनेशन मेथड और एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका देख के आ जाए, जिससे आपको सारे मेथड जिस क्या आपको है ना ये जो चैप्टर 3 है इसको करने में बहुत आसानी रहेगी। पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी वो समझ लिए तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ये हो गया, अभी चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी इसके अंदर जो मैंने फॉर्मूला बनाया था a1 अपॉन a2 इज इक्वल a1 अपॉन a2 b1 बटा b2 और c1 अपॉन c2, ये जो मैंने चीज़ बनाई थी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। कुछ लोगों को ये मन में आ रहा होगा कि जो लाइंस अपन को कैसे पता चलेगी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। अभी तक तो आपके मन में यही होगा कि बनाने के बाद पता चलेगा कि ये लाइन कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पर बुक के अंदर दी गई है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसके अंदर तीन बनेगी सिचुएशंस, कैसे जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है उसमें क्या बनेगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के तो क्या बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन है तो उसके अंदर क्या रहेगा हमारा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जो थर्ड रहेगी वो कौन सी कोइंसिडेंट लाइंस वाली, उसमें क्या रहेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या बनेगा c1 बटा c2। ओके, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको आप उसका बताना मेरे को इसके अंदर कौन सी लाइंस बनेगी, क्या बनेगी कौन सी लाइंस बनेगी। मान लो मैंने लिया एक x+2y-4=0 और दूसरी ली मैंने 2x+4y-12=0। अभी इसके अंदर कौन कौन सी यानी अभी अपन इसके अंदर पता लगाएंगे इसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, कौन सी लाइन बनेगी या फिर पैरेलल लाइंस बनेगी, कैसे पता लगाएंगे। a1 अपॉन a2 यानी इधर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 अपॉन 2। ओके, फिर क्या रखना 2 अपॉन 4, ये क्या रखना -4 अपॉन 12। एक बार काट के भी देख लो 1/2, ये क्या है 1/3। अभी ये इसके इक्वल नहीं है बट ये 1/2 और ये भी 1/2 यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू क्या c1 बटा c2। तो ये अपनी लाइंस कौन से बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी, कौन सी लाइन बनेगी पैरेलल लाइंस। अभी मैं एक और बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर उसका एग्जांपल का आंसर जो देना है आपको कमेंट के अंदर देना है। क्या है उस एग्जाम्पल, मैंने लिया x+2y+-4=0 और क्या बनेगा 2x+4y इसका और ये हो गया 8=0। इसका आपको बताना है कमेंट के अंदर कि इसके अंदर कौन सी लाइंस बनेगी, कौन सी लाइंस बनेगी इसके अंदर। और अगली जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके अंदर मैं आपको इसका करके बताऊंगा कि इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं नहीं निकलते हैं, और अगर आप इसको सॉल्व करना और आंसर कमेंट में लिखना। ओके, मैं आशा करता हूँ जो इस चैप्टर के अंदर था मैंने आपको सब समझा दिया है। इतना ही था इस चैप्टर के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। उससे पहले सब्सक्राइब करके चलिए।